स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा। बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के माया जाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ, तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजवाला, वास्तविक योद्धा अवसर नहीं आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा, मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहु की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु, आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा। जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा चार अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी। और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है, एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन चार ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। सर्वप्रथम इन्हें एक दूसरे से अलग कर दो।
इससे इनका बल कम हो जाएगा, अन्यथा ये हमें पराजित कर देंगे। विभाजन करो और हत्या कर दो, जाओ। दाऊ, मैं जैसे कहूँ ना कि मुझसे पृथक हो जाना तो शीघ्र ही हो जाना, ठीक है दाऊ? क्षमा कर दो। नहीं किए दाऊ, आप जैसा अग्रज तो केवल भाग्यशालियों को ही मिलता है। हिम्मत मत हारिए दाऊ, मुझे विश्वास है कि हम अवश्य ही इन चारों अश्वों को हरा देंगे। और जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक हमें कुछ नहीं होगा दाऊ। खेद है मुझे कि अब तुम दोनों की हत्या करनी होगी। यदि इन्हें पता होता कि अश्व लोक में ऐसी दिव्यता नहीं चलती तो ऐसी भूल कदाचित न करते। मार दो इन्हें। राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोगों की वैभाता को संतुलित। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इस जगह पे पहले भी आए हैं? मिश्री, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। अबे लौंडो, तुम ऐसे कैसे देख रहे हो मेरी तरफ भूखी नजरों से? तुम्हें देखकर मजा आ गया मेरी जान। हाँ राजे, ए तिवारी, ढंग से पकड़। हाँ रज्जू, बोलो। प्रकाश मामा किडनैप हो गए। हाँ तो मतलब कैसे कैसे तुम कह रही? बात तुम्हें कैसे पता? चलो, हमें तो जे भी पता है किन्ने करो है जे। चित्रा दीदी, आप? हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है? आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदे, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग।
अबे लौंडो, तुम ऐसे कैसे देख रहे हो मेरी तरफ भूखी नजरों से? तुम्हें देखकर मजा आ गया मेरी जान। आजा, 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 आजा।